सर एसएस राजामौली और जूनियर एनटीआर साथ ही साथ रामचरण के लिए साल 2023 ढेर सारी खुशियां लेकर आया है। पहले उनकी फिल्म ट्रिपरार को ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया और अब इसी मूवी के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स मिला है। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें इसकी घोषणा होने पर स्टारकास्ट और डायरेक्टर का गर्व से सीना चौड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि गोल्डन ग्लोब्स में आरआरआर को रिप्रेजेंट इसके डायरेक्टर एसएस राजामौली और स्टार्स जूनियर एनटीआर और रामचरण कर रहे थे, जिनके साथ उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी भी हैं। फिल्म में जूनियर एनटीआर और रामचरण ने 1920 के ब्रिटिश राज के समय भारत के स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम और अलूरी सीताराम राजू की भूमिका निभाई थी। कलाकारों में आलिया भट्ट और अजय देवगन के साथ ब्रिटिश अभिनेता आर स्टीवंस, एलिसिड डूडी और ओलिविया मॉरिस शामिल थे। दोस्तों इसमें इंटरनेशनल अवार्ड में सिलेक्ट होने के लिए एसएस राजामौली ने 50 करोड़ तक की प्रमोशंस फिल्म को करवाई थी। हाल ही में जूनियर एनटीआर को इसके लिए जो अवार्ड मिले थे उसमें रामचरण और जूनियर एनटीआर की पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे ये दोनों ही सितारे। ये पता चलता है एक वीडियो से जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ जब यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी सारे फैंस इकट्ठा होकर जूनियर एनटीआर और रामचरण के साथ सेल्फीज लेने के लिए बेताब थे। नाटू नाटू के म्यूजिक कंपोजर एमएम किरवानी ने घोषणा के बाद स्टेज पर जाकर ट्रॉफी ली और इसके बाद गोल्डन ग्लोब अवार्ड के साथ पोज भी दिया। किरवानी ने सॉन्ग नाटू नाटू के लिए यह अवार्ड अपने नाम किया है। इसे बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। दोस्तों सॉन्ग के सुपरहिट होने के पीछे 5 बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसमें से सबसे पहली वजह है इस गाने का सिंपल होना यानी कि सिंप्लिसिटी। कहा जा रहा है कि एसएस राजामौली ने इस सॉन्ग को सिंपल तौर से करने का सोचा हुआ था। एसएस राजामौली इसे बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते थे ताकि जो भी इस सॉन्ग को सुने वो ऑडियंस उससे तुरंत कनेक्ट कर पाए। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है सिंक्रोनाइजेशन। जी हाँ, इस गाने में नज़र आए दोनों ही स्टार्स जूनियर एनटीआर और रामचरण ने बताया है कि उनके ऊपर गाने के स्टेप्स के साथ साथ सिंक्रोनाइजेशन को स्मूथ रखने का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता था। एसएस राजामौली किसी भी तरीके से इसको इग्नोर या फिर कोई भी कमी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहते थे। वहीं तीसरी और सबसे बड़ी वजह है बीट्स, यानी कि जिस तरह से इसमें बीट्स का इस्तेमाल हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरनेशनल और इंडियन के साथ साथ अफ्रीकन म्यूज़िक के बीट्स को भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। इसी के बाद अगला जो सबसे बड़ा कारण है इस मूवी के सुपरहिट होने का और इस गाने को नाटू नाटू को इतना ज़्यादा प्यार मिलने का, वो है इसकी यूनिक लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसके सॉन्ग को जो शूटिंग है वो यूक्रेन में की गई है और यहाँ पे पूरे तरीके से बिल्कुल भी पता नहीं चला, बट इतनी खूबसूरत लोकेशन होने की वजह से इस सॉन्ग के वीडियो को काफ़ी ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर देखा गया। वहीं आखिरी और सबसे बड़ी वजह इसमें बताई जा रही है विजुअल स्पेक्टेकल। जी हाँ, विजुअल स्पेक्टेकल का मतलब है कि यहाँ पे एक तरफ जहाँ पे गाने में मस्ती मजाक दिखाई दे रहा है तो वहीं आंखों में गुस्सा और देश प्रेम भी साफ देखने को मिल सकता है। जहाँ एक तरफ अपने देश की बेइज्जती होने पर दोनों ही अपने डांस का जलवा दिखाते हैं तो वहीं हर एक को अपनी धुन में थिरकाने वाली मस्ती भी इनकी आंखों में दिखती है, यानी कि इनका विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन है उसने कहीं ना कहीं सॉन्ग को सुपरहिट किया है। तो दोस्तों किस तरह से देंगे आप भारत की इस फिल्म को मिलने वाले अवार्ड पर एसएस राजामौली, रामचरण और साथ ही साथ और कोई नहीं बल्कि जूनियर एनटीआर को बधाइयां। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।